सीमा हैदर से जुड़ी पुलिस सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सीमा, सचिन और सचिन के पिता से पूछताछ शुरू हो गई है। यूपी एटीएस की टीम तीनों से कर रही है पूछताछ। नोएडा में गुप्त जगह पर तीनों से पूछताछ हो रही है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा लाइव जुड़े हुए हैं इस खबर पर। जितेंद्र, क्या डिटेल्स आ रही हैं? जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो कितने लंबे और चलने वाली है, और अभी तक क्या उससे निकलकर सामने आया है? जी बिल्कुल, देखिए, अब से कुछ देर पहले जो यूपी एटीएस है वो सीमा हैदर के घर पहुंची है, और घर पहुंचने के बाद वहां से सीमा हैदर को, इसके अलावा सचिन को और सचिन के जो पिता हैं, इन तीनों को एक अज्ञात जगह पर ले जाकर इनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी जो ग्रेटर नोएडा पुलिस है इनके बयान दर्ज कर चुकी है, जिसकी कॉपी एटीएस ने अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन एक बार फिर नए सिरे से, क्योंकि तफ्तीश अब एटीएस कर रही, तो एक बार फिर नए सिरे से एटीएस उनके बयान दर्ज कर रही है। जानने की कोशिश की जाएगी कि क्या सीमा हैदर के बयानों में कोई हेर फेर तो नहीं है, कोई बदलाव तो नहीं है, और जो उसने अपने बयान दर्ज करवाए और अब जो एटीएस के सामने दर्ज करवाएगी, उन तमाम बयानों को वेरीफाई एटीएस अपने तरीके से करेगी। तो कहा जा सकता है जब से जांच एटीएस ने संभाली है उसके बाद से एटीएस पूरे तरीके से इस मामले में एक्शन में आ चुकी है। जी चलिए, शुक्रिया आपका जितेंद्र इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। एटीएस की एक टीम इन तीनों से इस वक्त कर रही है पूछताछ। और वहीं पाकिस्तान के सिंध में मंदिरों पर हमले जो हुए थे उसे लेकर टीवी 9 की खबर का असर हुआ है। हिंदू मंदिर पर हमले के बाद पाकिस्तान सरकार ने बड़ा फैसला किया है। पाकिस्तान में मंदिरों की सुरक्षा में हिंदू पुलिस वालों को तैनात किया जाएगा। सिंध के घोटकी और काश्मीर जिलों में 400 हिंदू पुलिस वाले तैनात किए जाएंगे। ये बड़ा फैसला लिया है पाकिस्तान की हुकूमत ने। गुलाम अब्बास हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं पाकिस्तान से। गुलाम, ये बड़ा फैसला सामने आया है ऐसे वक्त में जब सिंध के डकैतों ने ना सिर्फ धमकी दी बल्कि रॉकेट लॉन्चर तक से हमले किए गए पाकिस्तान में मंदिरों पर। अब फैसला ये किया गया है कि तमाम जो हिंदू पुलिस वाले हैं उनकी तैनाती की जाएगी मंदिरों के बाहर। होता क्या देख रहे हैं आप? गुलाम, आप अपना ऑडियो जो है अनम्यूट कर लें। जी जी समीर जी। जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि आईजी सिंध, जो सिंध पुलिस चीफ हैं, उनकी तरफ से ये एक्शन लिया गया, और उन्होंने 400 पुलिस अहलकार जो हैं वो पूरे सिंध में जितने भी मंदिर हैं, खासकर कश्मीर, कनकोट और थरपारकर के एरिया में ज़्यादा हिंदू मेजोरिटी है, जखमाबाद में ज़्यादा हिंदू मेजोरिटी है, तो वहाँ पर 400 पुलिस अहलकार को लगाया गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्पेशल जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें लिखा गया कि हिंदू जो पुलिस ऑफिशल्स हैं, जो पुलिस के अहलकार हैं, वो सिक्योरिटी देंगे। हालाँकि पुलिस में कोई भी धर्म नहीं होता, चाहिए तो यही था कि जो भी पुलिस के ऑफिशियल्स हैं उन सबको वहां पे डिप्लॉय किया जाता और उनका मकसद सिर्फ सिक्योरिटी देना है। लेकिन इस बात को यहां पर सोशल मीडिया पे भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि ऐसा बिल्कुल किसी भी रिलीजियस को लेकर के सिक्योरिटी देने की बात करना नहीं होनी चाहिए थी। ताहम यह एक अच्छी बात है कि 400 पुलिस अहलकारों को तैनात किया गया है। हालांकि यहां के लोकल सरदार जो हैं उन्होंने भी अपनी तौर पर, जो मुस्लिम कम्युनिटी के सरदार हैं, ट्राइबल हैं, उन्होंने भी हिंदुओं की जो, यानी गुलाम, इसका मतलब तो यह हुआ कि मुस्लिम पुलिस वालों की हिफाजत में वहां के मंदिर महफूज नहीं है, ये मान रही है पाकिस्तान की हुकूमत। देखिए समीर, इसी के ऊपर सवालात तो उठेंगे ना। आपको जब पुलिस या कोई भी फोर्सेस होती हैं उसमें मजहब नहीं होता, वो अपना काम करती हैं, वो अपने देश को सर्व करते हैं, अपनी सिक्योरिटी जो उनकी जिम्मेदारी है वो उसको देते हैं। तो वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी होती है जो उन्होंने करनी है। और पुलिस वाले को अगर किसी टेम्पल पर लगाया जाए, किसी चर्च पर लगाया जाए, किसी मस्जिद पर लगाया जाए, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हिफाजत होती है। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, इसमें 400 पुलिस अहलकारों की लिस्ट है और नीचे सिग्नेचर है, और इसमें सारे 400 के 400 हिंदू जो पुलिस अहलकार हैं उनको लगाया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम आपका इस ताजा जानकारी के लिए। 400 हिंदू पुलिस कर्मियों को मंदिरों की हिफाजत के लिए कर दिया गया है तैनात।